आप देख रहे हैं अपना समाचार। सेल्फ सूर्यकांत देवकर एंड एज ए एक्टर, ये मेरी पहली फिल्म है और ये एक मिस्टीरियस लव स्टोरी है और रहस्य कथा है जिसमें शॉर्ट लव स्टोरी है। आपको कॉमेडी भी मिलेगा, आपको एंटरटेन भी करेगा और आपको हमारे सब कैरेक्टर्स डरे क्यों है ये बताइए, फिल्म ने आपको डरा दिया? नहीं सर, वैसे कुछ नहीं है, बट आप लोग ये फिल्म बहुत एंजॉय करोगे। मैं सर प्रीति सागर घोटके, मैं इस मूवी में मेहरुनिसा का रोल प्ले कर रही हूँ और अभी मैं एक्साइटेड, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ, बट आई कैन टेल माई एक्साइटेड फ्रॉम इनसाइड, आई कैन फील इट। तो मेरे को लगता है कि आप लोग मतलब बहुत एंजॉय करोगे ये मूवी, जैसे हम लोग ने की है वाइल शूटिंग एंड हमारी जो पूरी टीम है उन सब ने हमको बहुत मोटिवेट किया, स्पेशली सूर्या को और मुझे तो बहुत मोटिवेट किया। हमारे राजू सर, उन्होंने भी हमको बहुत मोटिवेट किया है, बहुत इंस्पायर किया है, उन्होंने हमको एक रूट दिया है बीइंग फॉर अ करियर, तो स्पेशल थैंक्स टू देम। एंड बॉलीवुड में शादी करना चाहते और कहानी इस प्रकार का तो और भी जैसे रोमांस हो या इस तरह कमर्शियल फिल्म हो, उस तरीके से आप डेब्यू कर सकती थी, जिसको चैलेंज मानती है आपके पास इस तरह मेरे लिए एक कठिन काम था। स्पेशली रोमांटिक सॉन्ग्स जो है हमारा, दैट वॉज अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी, क्योंकि फील करना इट्स अ इम्पॉर्टेंट और जो हो नहीं पा रहा था और वी डिड दैट। और एज यू नो दैट कौन से भी काम के लिए कॉन्फिडेंस लगता है, मोटिवेशन लगता है, इंस्पिरेशन लगता है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रोमांटिक सॉन्ग के वक्त हमें वो एनवायरनमेंट भी मिला, जैसे कि हमने बताया कि बारिश का मौसम था, तो वी गॉट दैट एनवायरनमेंट ऑल्सो और हमको मोटिवेट भी इतना किया कि हम लोग यू नो वी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट कि नहीं वी हैव टू डू, वी हैव टू डू, वी हैव टू डू, और वैसे हम लोग ने वो कर दिखाया। कैसे रहा केमिस्ट्री सूर्या का? बहुत कम बात लेकिन काम दिख रहा है पर्दे पर, इसकी उसके लिए तारीफ करनी चाहिए, क्या कहोगे? सूर्या एक्चुअली ये बहुत शांत लड़का है और बहुत हंसाता है वो, पर हाँ जब वो मतलब जब इस जनरेशन में है तो बहुत कॉमेडी और बहुत हंसा रहा है, और जैसे ओल्ड एज में दिखाया है उससे, तो ही इज़ वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ अ बॉय जो अपने प्यार के लिए बहुत लड़ रहा है, मुझे बचाना चाहता है, और जो हमारा विलन है शाकिर शाह उनसे, सो ही इज़ अ काइंड ऑफ दैट। एक तो अच्छी बात बुरी बात, एक्चुअली बुरी बात आई नेवर फील लाइक समथिंग हैज बिकम और समथिंग हैज हैपन बैड विद मी। लेट आना, फोन पे लगे रहना, नहीं नहीं नो नो, नहीं आता था अभी सबसे पहले तो मैं ही सेट पे रहता था, ये बाकी सब इन यही लेट करते थे, इनका मेकअप वो होता नहीं था जल्दी, तो फिर वही बहुत टाइम लग जाता था और हमारा सब तैयार रहते, तो फिर डायरेक्टर लोग बहुत चिल्लाते थे इनको, पर तभी भी इन लोग सुनते नहीं थे, इनको बहुत बार बुलाना मांगता था, बुलाने के बाद तभी आते थे। और आने वाला प्रोजेक्ट और आने वाला प्रोजेक्ट जिसके लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर करने वाले हैं, एज सर बताएंगे हमको। नेक्स्ट मूवी स्टोरी राइटिंग चल रही है अभी, हमारे डायरेक्टर सर जी स्टोरी लिख रहे हैं, अभी आधा स्टोरी हो गया, अभी आधा बाकी है और उसके ऊपर हम आगे और काम करना चाहते हैं और हम भी बहुत एक्साइटेड है उस पर काम करना। और चलते चलते आखिरी सवाल,
दर्शक क्यों जाए इस थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए, क्या कुछ ऐसी खास बात है या सूर्या को देखने के लिए? सूर्या को देखने के लिए क्योंकि सूर्या के इसमें दो रोल है, एक सूर्या और दूसरा आफ्ताब। सूर्या ये कैरेक्टर एक न्यू जनरेशन पे था और आफ्ताब वाला कैरेक्टर है ओल्ड जनरेशन में था, इसलिए कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा ये कहानी और आप लोग बहुत एंजॉय करोगे और आपको ये फिल्म बहुत एंटरटेन करेगा। बस आप क्या अपील करना चाहोगे दर्शकों से जब ये थिएटर में लगेगी? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कैरेक्टर, मेहरुनिसा कौन है, आफ्ताब कौन है, सूर्या कौन है, सो इट्स काइंड ऑफ अ कंफ्यूजिंग स्टोरी। सो आई होप दे विल, इट्स अ काइंड ऑफ सस्पेंस जो जो ऑडियंस रहेगी उनके माइंड में रहेगा। सो दिस विल बी द थिंग विच दे विल एंजॉय कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। और अपील करना चाहोगे कि अगर आपसे मेहरुनिसा आएगी आपके सपने जो अपील करना चाहोगे? नहीं। आप देख रहे हैं अपना समाचार।